नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रविवार को चौथा संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के 350 विद्यार्थी स्वयं सेवकों को ग्लोबल एक्सपोजर प्रदान कर सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्देश्य है कि राजस्थान की युवा शक्ति में कौशल कार्य कुशलता को दिशा प्रदान कर प्रदेश में सर्वांगीण विकास की यात्रा में उनका भी योगदान सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान में घर जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है। सरकार ने बढ़ी हुई DLC रेट बाजार कीमत को आज 2 दिसंबर से लागू कर दिया है। शहरी इलाकों में DLC रेट 5-15% तक, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में 50% तक बढ़ाई गई है। 15% के हिसाब से 50 लाख रुपए कीमत के एक मकान या भूखंड की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को 66,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। खास बात यह है कि अब शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री वर्ग गज या वर्ग मीटर के बजाय एक समान वर्ग मीटर में होगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री बीघा के बजाय हेक्टेयर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीक जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों के अवसर में बदलने का आह्वान किया है। उन्होंने पुलिस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और आकांक्षी भारत में देश में ताकत को दोहन करने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन दिवस पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने चर्चाओं से उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। मोदी ने पुलिस से राजनीतिक सावधान, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। प्रदेश में इस समय मौसम लोगों के साथ आंख मिचोली खेलते हुए नजर आ रहा है। कभी हल्की गुलाबी सर्दी लोगों को राहत दे रही है, तो कभी दिन में तीखी धूप और रात को उमस लोगों को परेशान कर रही है। सर्दी का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अभी और लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम मिला जुला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में सर्दी के तेवर थोड़े तीखे होंगे, तो वहीं दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में मावठ की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब राम विश्नोई ने आज हनुमानगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए रिटायर्ड DGP नवदीप सिंह और उनकी पूर्व विधायक पत्नी डॉक्टर परम नवदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में साहब राम विश्नोई ने कहा कि डॉक्टर परमवीर और उनके पति नवदीप ने उनके खिलाफ करीब 1.5 दर्जन झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे, जिन्होंने हाईकोर्ट से क्लीन चिट देते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट बंद कर दी है। प्रेस वार्ता में विश्नोई ने बीकानेर में धैया एनकाउंटर और संगरिया में पत्रकार लोकेश वर्मा की हत्या की CBI जांच की मांग करते हुए दोनों मामलों में हाईकोर्ट में रिट लगाने की बात कही। इस दौरान विश्नोई ने कहा है कि नवदीप सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर परम ने पत्रकार लोकेश वर्मा की हत्या करवाई थी, ऐसे में इन दोनों मामलों की CBI जांच होनी चाहिए। टोंक जिले के बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व के घने जंगलों से निकलकर इन दिनों अजगरों का अपने शिकार की तलाश में या फिर धूप सेकने के लिए गांव या फिर खेतों में आ जाना का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां आज एक बार फिर से गांव में एक खेत में छिपकर बैठे अजगर की नजर आने से वहां हड़कंप मच गई। मिली जानकारी के अनुसार किसान दिनेश बैरवा अपने खेत में चारा काटने के लिए गया था। वहां पर उसका सामना लगभग 10 फीट लंबे भारी भरकम अजगर से हो गया। किसान के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे व वन विभाग को मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मी लोग मौके पर पहुंचे और खेत और चारे में छिपे बैठे अजगर को पकड़ बोरे में बंद कर लिया। बाद में पकड़े गए इस अजगर को उनके प्राकृतिक आवास माने जाने वाले बीसलपुर कन्वर्जेशन रजिस्ट्रेशन में छोड़ दिया गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित महावीर पार्क में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समरावता में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपजे उपद्रव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के प्रकरण से संबंधित चर्चा बैठक में की गई। सभी वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव बैठक में दिए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन किया जाना चाहिए। इसमें सर्व समाज के पंच पटेले नेताओं को आमंत्रित किया गया है। महावीर पार्क में इस बैठक में 100 सदस्यों के एक संघर्ष समिति सर्व समाज संघर्ष समिति के नाम से बनाई गई है, जिसमें टोंक, सवाईमाधोपुर सहित आसपास के सभी क्षेत्रों से रणथंभौर गणेश को निमंत्रण देते हुए गांव ढाणी शहर में पीले चावल बांटने का निर्णय लिया गया है। डिडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के 5 व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रोहित गोदारा द्वारा फिरौती के लिए कॉल धमकाने
का मामला सामने आया है, जिसमें पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इस मामले में रविवार को 3 व्यापारियों ने एक साथ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई ने बताया कि फिरौती मांगने वाले मामले में 3 अलग अलग मामले रविवार दर्ज किए गए हैं। मामले की गहराई से जांच की जा रही है, जल्दी खुलासे किए जाएंगे। मामले को लेकर अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। अधिवक्ता पर मुकदमे की पैरवी करवाने के नाम पर रुपए अटना का आरोप लगाते हुए एक महिला ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। नजमा पुत्री उमरुद्दीन निवासी नोहर ने बताया कि उसने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ नोहर पुलिस थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तब हनुमानगढ़ निवासी अधिवक्ता जावेद ने कहा कि वह मुकदमे में सभी आरोपियों का चालान करवा देगा, इसके लिए उसे 40,000 रुपये देने होंगे। इस पर उसने अलग अलग समय में अधिवक्ता जावेद को 30,000 रुपये ऑनलाइन भेज दिए, जबकि 10,000 रुपये नकद दिए। लेकिन बावजूद इसके अधिवक्ता जावेद ने सभी आरोपियों का चालान नहीं करवाया और न ही उसकी पैरवी की। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की राह देख रहे युवाओं को इस समय विज्ञापन को लेकर अभी और कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान अजमेर बोर्ड को अभी तक भी इस परीक्षा और विज्ञापन को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं मिली है, जिससे बोर्ड विज्ञापन जारी कर सके। आज की जानकारी के अनुसार बोर्ड अभी भी इस परीक्षा की अधिकृत सूचना का इंतजार कर रहा है। वैसे बोर्ड की तरफ से इस परीक्षा के विज्ञापन का काम अंतिम चरण में है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा के अनुसार अभी तक सरकार से बोर्ड को अधिकृत सूचना नहीं मिलने से बोर्ड इस परीक्षा के विज्ञापन को जारी नहीं कर सका है। हालांकि उनका कहना है कि राज्य सरकार से अधिकृत सूचना आते ही विज्ञापन और परीक्षा तिथि सहित आवेदन की तिथि जारी कर दी जाएगी। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।